जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर कल को भोगती हुई लोमस ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से पापों से छूट गई। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगा कि गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थी, उनको कब और कैसे श्राप मिला, उनके नाम क्या थे, ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्त हुए और उन्होंने कहां पर स्नान किया, आप विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राज, जैसे अरड़ी से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वर वेदी की सुंबरा, चंद्रकांत की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रका, ये पांच सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा के समान कांति वाली और सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियां के समान खिली हुई यह अप्सराएं थी। ऊंचे पयोधर वाली पद्मनी बैसाख मास की कामिनी यौवन दिखाती हुई नवीन पत्तों वाली लता के सदृश गोरे रंग सोने के सदृश चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण किए हुए अनेक प्रकार के गाने और वीणा अथवा बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती थी। एक समय कौतुकवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हो बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन कपूर कुकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये पांचों कन्याएं ताल नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गांधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। जब ये कन्याएं नाचने और गाने में लीन थी तो उस समय अक्षोध नामक उत्तम तीर्थ में वेद निधि नाम के मुनि के पुत्र अग्नि ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख कमल सदृश नयन विशाल छाती सुंदर भुजाओं वाला दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड लिए मृग चर्म ओढ़े यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसको देखकर पांचों कन्याएं मुग्ध हो गए और उसका रूप व यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो देखो देखो ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगी कि यह कौन है। रति रहित होने से कामदेव नहीं और एक होने से अश्विनी कुमार नहीं, यह कोई गंधर्व या किन्नर या काम रूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है और आपस में यह तुम्हारा वर है यह मेरा अथवा सबका ऐसा कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सुने तो वह सोचने लगा कि यह तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता तथा बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के ब्रह्म जाल में मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मनरूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से भय रहता है। जब तक की गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के कामरूपी बाणों से विधा नहीं जाता। ये मुझे उन्मत्त और मुग्ध कर रही हैं। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस रक्त मल मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमन कर सकते हैं। शुद्ध बुद्ध वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। सो जब तक यह पास आए घर चले चलना चाहिए। अतः जब तक वह उसके पास आई वह योग बल के द्वारा अंतर ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वह चकित होकर डरी हुई चारों ओर देखने लगी
और आपस में कहने लगी कि यह क्या इंद्रजाल था जो देखते देखते विलीन हो गया और वह विरह की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी कि हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा चित्त दुखाकर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारे बिना हम नहीं जिएंगे। जहाँ पर आप गए हो हमें शीघ्र ले चलो, हमारा संताप हरो और हमें दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। 18 अध्याय समाप्त।